प्रिय भाइयों और बहनों, लगभग 50 साल पहले हमारी कैथोलिक चर्च विश्व व्यापी कलीसिया का एक महासभा हुआ रोम में। 4 साल चला, 3-3 महीने हर साल, 62 में शुरू हुआ और 65 में अंत हुआ, समाप्त हुआ। जो उन्होंने उस समय सारे कलीसिया के लिए जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स दिए थे, उनमें से द डॉक्यूमेंट ऑन द डॉग्मेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द चर्च, कलीसिया के ऊपर जो डॉक्यूमेंट निकाला था, उसके 9th चैप्टर में ये लिखा गया है। आई रीड इट इन इंग्लिश फर्स्ट, देन सम ऑफ द अदर विद माई ट्रांसलेशन आई विल मेक इट क्लियर टू यू व्हाट इट मीन्स। दे एम्फसाइज द फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ आवर फेथ। इट हैज प्लीज गॉड टू मेक मैन होली एंड सेव देम not merely as individuals without any mutual bonds, but by making them into a single people, a people who acknowledge him in truth and serves him in holiness. Iska anuvad ke is tarah hoga ki ishwar ne ishwar ko acha laga कि उसने मनुष्यों को पवित्र बनाया और उन्हें मुक्ति दिलाए, एक एक को लेकर नहीं, नॉट एज मेयरली एज इंडिविजुअल्स, विदाउट एनी म्यूचुअल बॉन्ड, कोई रिश्ता नहीं है उनके बीच में, ऐसा नहीं किया ईश्वर ने। ईश्वर ने यह किया, उनको एक लोग, वन सिंगल पीपल, जो उसको पहचाने, उसको जाने एक सच्चाई से और उसकी सेवा करे पवित्रता से। मोर ऑर लेस दिस इज व्हाट दैट कॉन्स्टिट्यूशन गेव इन द 9th चैप्टर। और ये बहुत ही सच है, ऐसा नहीं कि कलीसिया में पहला नहीं था कि इन्होंने कुछ नया लाया, परंतु उन लोगों ने संसार को एक नई दृष्टि दी। और इसको लेकर आज कलीसिया में कुछ नयापन आया है लगभग 60 साल के अंदर। ये सिंगल पीपल ईश्वर ने तो जरूर बनाया, और एक सिंगल मैन उसको पहला रचा, परंतु वो खुश नहीं था, अकेला था, जानवरों के बीच में रहता था, वो अपना किसी को नहीं कह सका। इसलिए ईश्वर ने ये जान लिया और उसे एक उपयुक्त सहयोगी बनाया, एप्ट पर्सन, ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं, स्त्री को रचा। और उन लोगों ने वो पहला समुदाय, फर्स्ट सिंगल इंडिविजुअल्स, जो एक बनकर ईश्वर की महिमा करे। उसके बाद हमें बाइबल में उन लोगों के बारे में सब कुछ समझाया है, किस तरह ईश्वर की योजना उन लोगों ने बर्बाद किया, परंतु ईश्वर ने एक नई योजना की और उस योजना में प्रभु यीशु क्रिस्त को मुख्य स्थान दिया जाता है। ये पुराने व्यवस्थान की कहानी है, और पुराना व्यवस्थान में भी जैसे संख्या बढ़ी, इज़राइल में लोग बढ़ते गए, उनको एक साथ संभालना, एक सिंगल पीपल बनाना थोड़ा मुश्किल रहा। हमें ज्ञात है कि मूसा थक जाता था उनके सब बातें सुनना, ये करना वो करना, इसलिए उसके ससुर ने उससे कहा कि
कि ऐसा करेंगे तो तुम जल्दी जल्दी मर जाओगे। तुम लोगों को छोटे झुंड में ले लो, 10, 20, 25, 50, 100, और लोगों को उनके ऊपर नियुक्त करो। बड़े बड़े केसेस है, जो कुछ तुम्हारी जरूरत है वो फिर तुम्हारे पास आए। वी कुड से माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दैट अ सॉर्ट ऑफ अ फर्स्ट पैरिश काउंसिल, वेरी डिफरेंटली यू कैन से, स्टार्टेड देयर द पीपल ऑफ इज़राइल व्हेन दे वर रोमिंग अराउंड फॉर 40 इयर्स, दे हैड नॉट रीच्ड द प्रॉमिस्ड लैंड। वहां से उसका शुरुआत हुआ कि छोटे झुंड में अच्छा कार्य होता है। तो इसलिए यही विचार हम लोगों को नए व्यवस्थान में मिलता है। नए व्यवस्थान में हम प्रभु यीशु क्रिस्त को देखेंगे, जो सब कुछ उसे मालूम था, किस तरह मनुष्य का की सहायता करना, कैसे उनको ऊपर उठाना, किस तरह एक दूसरे से मेल मिलाप रखना। और यीशु क्रिस्त ने 12 शिष्यों को चुना, और वो चुनने के पहले पर्वत पर गया, पूरी रात अपने पिता के साथ बिताया। इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी सिलेक्शन, ही प्रेड टू हिज फादर। हम कभी कभी सोचते हैं कि यीशु ईश्वर था, क्या जरूरत था उसको प्रार्थना करना, क्या जरूरत था उसके पिता से संपर्क रखना। बट दैट वॉज नेसेसरी। जीसस वॉज ऑल्सो अ मैन, एन ऑर्डिनरी मैन लाइक यू एंड मी। देयरफॉर टू कम्यून विद द फादर, ईश्वर से रिश्ता रखना, उसको बहुत, उसने बहुत जरूरी समझा। आज का सुसमाचार भी वैसा ही कहता है। बाद में बताऊंगा सुसमाचार का क्या असर आज के इस विषय पर है। सो आफ्टर दैट ही केम एंड ही चोज 12 अपोसल्स। हम कभी कभी सोचते हैं कि यीशु क्रिस्त ने बहुत अच्छे लोगों को लेना था, वो 12 जो शिष्य थे उसके नजदीक के लोग, जैसे इनसाइड ग्रुप, आजकल उसको हम कहेंगे द एग्जीक्यूटिव ग्रुप, जो कार्य करने वाले। देयर वर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, उसमें मचुए थे, उसमें टैक्स कलेक्टर था, उसमें जो राज्य स्थापित करने के लिए लोग वो ताक रहे थे वे भी थे, उसमें एक डाकू भी था, एक ट्रेटर भी था, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल ही हैड, और अलग अलग कार्य उनको उसने दिया। उसने पेत्रुस को सबों के सामने प्रमुख नियुक्त किया। यू आर पीटर एंड अपॉन दिस रॉक आई विल बिल्ड माय चर्च एंड द गेट्स ऑफ हेल विल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट इट। आई प्रॉमिस यू व्हाटएवर यू बाइंड ऑन अर्थ विल बी बाउंड इन हेवन, व्हाटएवर यू लूज ऑन अर्थ विल बी लूज्ड इन हेवन। क्या बड़ा पदवी उसको दिया उसने उस दिन। उसमें हम देख सकते हैं कि पाप क्षमा करना और लोगों को सांत्वना देना, वो उन 12 को उसने दिया विद द हेड हु इज पीटर। यीशु क्रिस्त जैसा उसने कहा वैसा मर गया, जी उठा, अपना कार्य समाप्त करके स्वर्ग चला गया। क्या रहा फिर? वो आधुनिक कलीसिया, द फर्स्ट चर्च ऑफ जेरूसलम, जहां मां मरियम उनकी सहायता कर रही थी। दे वर गैदर्ड विथ मैरी, दैट फर्स्ट ग्रुप ऑफ अपोसल्स। दे ऑल रैन अवे But they came back. They came back and under the guardianship of Mary, who is the mother of the apostles and mother of everyone, as given by Jesus on the cross. Us samay unhein pavitra atma mila. And all the works that Jesus
had given them, it became alive in them. अब वे उत्साही हुए और जो कार्य करना था वो वहां से निकलकर उन लोगों ने सचमुच सारे संसार में जैसा प्रभु येसु क्रिस्त का शुभ संदेश का आग जलाया। इसलिए हम आज इधर बैठे हुए हैं, उनके ही कार्यों के द्वारा। तो ये है पहला जो हम कहेंगे समुदाय। परंतु येसु क्रिस्त जाने के बाद हमें वो आधुनिक कलीसिया के बारे में जानकारी प्रेरितों का काले क्लब में दिया जा गया है और उसमें पेतरस, योहान और अन्य प्रेरितों ने यरूशलेम और आसपास के क्षेत्र में भारी काम किया। परंतु ये जो सांसारिक कार्य और जो आध्यात्मिक कार्य, ये उनको भारी लगा। तो इसलिए पेतरस ने लोगों से कहा कि देखो, हम अपने आप में लोगों को चुनेंगे और जो सांसारिक कार्य है वो उनके हाथों में देंगे कि हमें समय मिले कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि बहुत कुछ कार्य हो रहा है और कार्य करते करते हमें ईश्वर से संपर्क रखने के लिए, उससे जो मांगने के लिए किस तरह ये कलीसिया चलना चाहिए वो समय नहीं मिल रहा है। इसलिए उन लोगों ने 10 उपयाजकों को चुना, 7 उपयाजकों को चुना, द फर्स्ट डीकन्स हु वर सर्व इन द चर्च, दे वर गिवन ऑल द मटेरियल रनिंग ऑफ द चर्च। और ऐसा होते हुए हमारी कलीसिया बनी, जो एक कमरे में शुरू होती हो गई थी, एक कमरे में उनका मिस्सा होता था, अभी विस्तार रूप से सारे संसार में बढ़ गए और हम अभी 21वीं शताब्दी में आए हैं। और कलीसिया जो येसु क्रिस्त ने शुरू किया था वो कलीसिया वही आज है, बट इन अ वेरी वास्ट वे। तो इसलिए ये जो कलीसिया इतने वास्ट है, उसमें जो कार्य येसु क्रिस्त का शुरुआत में था वही चालू रखने के लिए ये कलीसिया में हमें दिख पड़ते हैं, द यूनिवर्सल चर्च, विश्वव्यापी कलीसिया। उसमें हमें एक संत पापा जो येसु क्रिस्त ने उस समय नियुक्त किया था संत पेतरस को, विदाउट एनी ब्रेक वी हैव दिस लाइन हु इज पोप फ्रांसिस नाउ। ये आज हमारे विश्वव्यापी कलीसिया का प्रतिनिधि है और उसके साथ साथ चर्च में एक, इन दिस यूनिवर्सल चर्च देयर इज द काउंसिल व्हिच इज कॉल्ड द कुरिया। उसमें हर एक कार्य के लिए एक एक सेक्शन रहता है जिसका एक जो लीडर है ऊपर, जैसे डायरेक्टर इज कार्डिनल। हर एक कार्य के लिए जो हमारे चर्च में ये पुस्तकों का, जो लिटर्जी का और धर्म का, अलग अलग लोग संत पापा को सहायता कर रहे हैं और वो लोगों को ऐलान करता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा कलीसिया में होगा, ऐसा होगा। द लेटेस्ट वी हैव इज संत यूसुफ जोसेफ के बारे में एक डॉक्यूमेंट। आफ्टर दैट आल्सो मेनी डॉक्यूमेंट्स कम। हर एक संत पापा का, संत पापा की सहायता करते हैं। दैट इज हिज काउंसिल, द कुरिया, द रोमन कुरिया। ये संत पापा ने और एक नया शुरू किया है, उसने 8 संसार के कार्डिनल्स जो है उन लोगों को लेकर वो विशेष विचार विमर्श करता है। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, एवरी कॉन्टिनेंट, डू यू नो दैट देयर इज वन फ्रॉम इंडिया। जानते हो कि एशिया के लिए एक कार्डिनल संत पापा के, एक इंटरनल काउंसिल यू कैन कॉल,
to rule and take stock of the whole world situation. Bombay ke Archbishop Cardinal Oswald Gracious, ye un aath mein se ek hai. So what a wonderful thing Pope Francis has done. He has got now a view of all the whole world through these eight cardinals. ये चर्च का कार्य है कि एक ही व्यक्ति कहां तक जाएगा, क्या करेगा, तो ही हैज टू गेट पीपल टुगेदर, द काउंसिल जो उसको सहायता दे सकते हैं. देन आफ्टरवर्ड्स इन द चर्च संत पापा यूनिवर्सल चर्च का हेड है. There are what you call separate dioceses in the world. Dharm prant sansar mein hai. Ek dharm prant mein ek bishop is the head. That bishop has the powers to rule in that particular jo kshetra usko diya gaya hai. हमारे नागपुर धर्म प्रांत में नागपुर डिस्ट्रिक्ट, भंडारा डिस्ट्रिक्ट, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम महाराष्ट्र एंड वी हैव ऑल्सो गॉट फ्रॉम एमपी दैट इज बैतूल डिस्ट्रिक्ट, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, हाफ ऑफ सिवनी डिस्ट्रिक्ट एंड विच इज द अदर वन छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट. सो दीज फॉर्म द नागपुर डायसिस. जो कुछ यहां होता है वो वैसा ही सही ढंग से छिंदवाड़ा में भी होगा, बालाघाट में भी होगा. आवर बिशप हैज गॉट दैट दोज ऑल द प्रीस्ट्स हू आर वर्किंग टू हेल्प हिम टू डू द वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट इन दिस डिस्ट्रिक्ट. वैसे अमरावती में उधर है, चांदा में है एक बिशप, फिर औरंगाबाद में है, रायपुर में है. देयर आर सो मेनी बिशप्स इन इंडिया विद इंडिविजुअल डायसीज. वन कैन नॉट इंटरफियर विद द अदर. सब यीशु क्रिस्त का कार्य करना चाहिए और यही कर रहे हैं. आफ्टर दैट देयर इज व्हाट यू कॉल द In a diocese, there are different parishes. Palli rahe. A bishop divides his diocese into units which are called parishes. Ek zamane mein, jahan tak mujhe maloom hai, this was in the cathedral parish. It had no separate parish. There were when I used to come here to visit these people, there were no houses and all like this. A few families were there. From the cathedral, I used to come around here. About 5 or 6 families. But it has grown, and then this parish came in Martin Nagar area. It was a part of Martin Nagar. And then the number grew here. And as the number grows, वो एक नया पल्ली बनाया गया. हाउ फॉर्चुनेट यू ऑल आर. नाउ दिस पैरिश इज ग्रोन अप सो मच व्हाट फ्रॉम 10 हार्डली 5 to 10 फैमिलीज. और आज कितने परिवार इधर है, लगभग आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मेनी बट 200-300 डेफिनेटली. और बढ़ता जा रहा है. दिस इज व्हाट अ बिशप डज. छोटे छोटे यूनिट्स जिसमें जो कार्य विश्वव्यापी कलीसिया में होता है वो एक धर्म प्रांत में होता है और वो एक छोटे यूनिट जिसको कहते हैं अ पैरिश, जिसमें एक वो पल्ली पुरोहित नियुक्त करता है. देयर इज अ पैरिश प्रीस्ट इन एवरी पैरिश. ही इज द डायरेक्ट लिंक विद नॉट द पोप, not with Jesus Christ, but he is a direct link with the bishop.
उसका लिंक बिशप से रहता है, वो नहीं बोल सकता है नो नाउ आई एम पैरिश प्रीस्ट, आई विल टॉक टू जीसस क्राइस्ट एंड आई विल डू अकॉर्डिंग टू व्हाट ही सेज. दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट द करेक्ट वे. द करेक्ट वे इज टू गो लाइक दिस टू जीसस, नॉट दिस स्ट्रेट टू जीसस. गो थ्रू द बिशप. सो द बिशप इज द हेड ऑफ द डायोसिस, और उसमें जितने पल्ली है उसमें एक एक पल्ली पुरोहित रहता है. अब पल्ली पुरोहित, प्रिय भाइयों और बहनों, मैंने तो बहुत जाना है पल्ली पुरोहित के बारे में और रहा भी. ही इज एन ऑर्डिनरी मैन, वो एक हमारे जैसे इंसान है. नाउ इफ यू से दैट द पैरिश प्रीस्ट हैज टू डू एवरीथिंग इन द पैरिश, आई डोंट नो whether he will be able to do even a fraction of what is being done in the parishes. Abhi, jaisa pope ka ek council rehta hai, jaisa bishop ka ek council rehta hai, waise hi palli mein bhi ek council ke dwara karya hona chahiye aur ho rahe hain. Ye church ne hame bataya hai. ये डॉगमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, हमारे चर्च के कानून भी बताता है कि एक पल्ली का एक काउंसिल रहना चाहिए. जो कहा जाता है पल्ली मेष पालीय परिषद, पैरिश पास्टरल काउंसिल. इट्स नॉट अ काउंसिल टू जस्ट एनी डू एनी वर्क व्हाट एवर दे थिंक फिट, बट देर आर गाइडलाइन. जैसे यीशु क्रिस्ट ने गाइडलाइंस दिए थे पहले कलीसिया को, संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो. दैट वॉज हिज मेन एम, दैट इज वॉट द चर्च हैज टू डू, दैट इज वॉट टूडे ऑल्सो द पैरिश हैज टू डू, दैट इज वॉट द डायसिस हैज टू डू. संसार के कोने कोने में जाकर मेरा सुसमाचार सुनाओ, यीशु क्रिस्ट ने कहा था. हमारा व्यक्तिगत सुसमाचार नहीं, उसका सुसमाचार. सो दैट इज व्हाई देयर इज अ पैरिश पास्टरल काउंसिल इन एवरी पैरिश. नाउ व्हाट इज अ पैरिश पास्टरल काउंसिल टू डू, व्हाट आर देयर एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स? आई थिंक ऑल द काउंसिल मेंबर्स हैव गॉट अ बुक लाइक दिस, यू हैव गिवन, नॉट येट. एक पुस्तक निकाला गया है, यू विल गेट इट, गाइडलाइंस फॉर पैरिश पास्टरल काउंसिल एंड आर्च डायोसिस पास्टरल काउंसिल फॉर द आर्च डायोसिस ऑफ नागपुर. देयर मे बी इन एवरी, देयर हैज टू बी इन एवरी पैरिश, एवरी डायोसिस एंड एवरी पैरिश. मगर उनका दृष्टिकोण थोड़े लोगों का कुछ अलग दृष्टि से जाता है. बट ऑल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चर्च. तो ये पल्ली परिषद के सदस्यों ने एक शपथ लिया था यहां. कब था वो? लास्ट संडे. सो यू वर गिवन अ पेपर, आई गेस दिस ओथ, ये इसमें दिया गया है. बाय थोड़ा आप लोगों को और पल्ली के दूसरे लोग जो आए, आई विल जस्ट एक्सप्लेन व्हाट यू टू कैन ओथ फॉर. You raised your hand and you said this. I'll read it to you and explain a little that I can. Each parish community has been entrusted with the work of sanctification. Keeping this in mind, my SCC unit has chosen me for this great task. I am aware that this is a great responsibility and I am a weak human being. Agar koi shapat liya ki I can do everything, I chhati phula ke liya, so you will not be able to do anything. I am a weak human being. I accept this responsibility, trusting in the providence of God and prayers of my people. I, you have to take your name, solemnly take oath that मैं शपथ लेता हूं, गंभीरता से ये शपथ लेता हूं, मेरा मुझे चुना गया है मेरे एससीसी यूनिट ने और
माय यीशु क्रिस्ट का कार्य जो है सैंक्टिफिकेशन, पवित्र करना, उसके लिए ये महान कार्य के लिए मैं जो साधारण मनुष्य हूं, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी ले रहा हूं, ले रही हूं अंडर द प्रोविडेंस ऑफ गॉड एंड द हेल्प एंड प्रेयर्स ऑफ द पीपल. व्हाट इज द देयर आर सिक्स और सेवन ऑफ देम. क्या है ये? टू कीप इन माइंड दैट पैरिश इज अ कम्युनिटी. द वेरी सेम थिंग दैट आई सेड, नॉट इंडिविजुअली बट एज अ सिंगल पीपल, ए कम्युनिटी. And I will work with integrity in the parish. मैं सच्चाई से और निष्ठावान से, not for any profit, not for any name, not for anything that I can get. मैं ये कार्य हमारी पल्ली के, मेरे पल्ली के लिए करूंगा या करूंगी. Second, I will be present for all the meetings of the parish pastoral council. और इसमें दिखा गया है कि at least once in 2 months, हर महीना हो गया तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 2 महीने में एक बार ये मीटिंग बुलाया जाना चाहिए. और ये शपथ लिया है आप लोगों ने कि I will be present for all the meetings. जब फादर थॉमस विजय और मैंने पहले बार ये रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे काफी साल पहले, तब हम लोगों ने लिखा, क्योंकि बहुत लोग आते नहीं, तो दोज हू आर नॉट कमिंग इट्स बेटर दैट दे गेट आउट. तो जो 2 मीटिंग या 3 मीटिंग में लगातार नहीं आए तो उनका नाम रद्द किया जाता है, जाएगा. इसमें भी शायद लिखा रहेंगे आई हैव नॉट गॉन थ्रू द होल थिंग, बट देयर इज सम डिटरेंट रूल्स. क्योंकि लोग समझते हैं मैं पल्ली परिषद का सदस्य बन गया हूं तो मैं जो चाहे वो करूंगा, जब आना है आऊंगा, जब नहीं आना है तो नहीं आऊंगा, बट माई नेम विल बी देयर. ये ऐसा नहीं हो सकता. यू हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द इंटरनल पार्ट ऑफ द पैरिश. तुम सिर्फ पल्ली के सदस्य नहीं, अब विशेष थोड़ा कुछ आगे तुम्हें ये कार्य सौंपा गया है. तो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड. देन कीपिंग इन माइंड माई स्किल्स एंड एबिलिटीज, जो मैं कर सकता हूं, जो मुझ में हुनर है, जो ईश्वर ने मुझे ये सब कुछ दिया है, उसको लेकर I will participate in all the discussions of the council. जब कहीं कुछ चर्चा होता है council में, and I have got those gifts and qualities to help in that. आगे बढ़ाना चाहिए. Don't keep these talents hidden. आप लोगों को मालूम है यीशु क्रिस्ट ने क्या कहा था? एक को 10 दिया, एक को 5 दिया और एक को 1 दिया. दोनों ने बहुत अच्छा से अपने योग्य अनुसार किया, ये तीसरे ने जाकर उसे छिपा दिया. और यीशु क्रिस्त उससे कहता है निकम्मे सेवक, तुम मेरा पैसा ब्याज पे देना चाहिए था कि मैं उसको वसूल कर सकूं, तुमने उसको छिपा दिया, अब तुम मेरे नजरों से निकल जाओ. व्हाट हार्ड वर्ड्स. That is what happened. We have got all the qualities with us and we keep quiet. We don't want to work. We don't want to get involved. कहते हैं we don't want to burn our fingers. मेरे को लोगों के बीच में जाना है, लोगों से बातचीत करना है, लोगों से कहना है. तो लोग कहेंगे तुम कौन सा बड़ा आदमी बन गए अभी, तुम तो हमारे जैसे ही है, क्या तुम इतना होशियारी मार रहा है, ऐसे अपने शब्दों में बात करते हैं. You have to swallow all that. पल्ली के भलाई के लिए उसे हमें निगलना है. Don't react. Don't say I am the parish council member. और लोग बोलेंगे हम जानते हैं. Don't react. Help them. Talk to them nicely. And then you will win people over.
Then number four, I shall be authentic in expressing views and ideas on all the matters of the council. जो काउंसिल बराबर सिखाता है वो मेरे विचारों से नहीं बताना चाहिए. ऑथेंटिक जो सच है, इंपॉर्टेंट है, वो सबों को बताना चाहिए. यू आर लाइक व्हाट यू कॉल सेंट विंसेंट डी पॉल और लीजन ऑफ मैरी से दैट दे आर द आर्म्स हैंड्स एंड लेग्स ऑफ द पैरिश प्रीस्ट. जहां पल्ली पुरोहित जाना चाहिए था उन लोग जाते हैं, जहां क्योंकि सब जगह नहीं जा सकता है, इसलिए दीज आर द हैंड्स एंड लेग्स ऑफ द पैरिश प्रीस्ट. सो एक्सप्रेस योर व्यूज और जो कुछ बताया गया है उसको ले लो. समटाइम्स व्हाट वी एक्सप्रेस, जो कुछ हम बताते हैं, शायद काउंसिल उसको स्वीकार नहीं करेगा. देन डोंट से माय व्यूज आर देयर, यू हैव नॉट, नाउ आई वोंट डू एनीथिंग. दिस इज नॉट अ राइट थिंग. मेनी डू दैट. When you do that, that's not a right way of going. Sometimes your views may not be for the good of the parish, so therefore they are not accepted. I shall be happy, number five, to accept the collective duty and responsibility given to me. जो कुछ जिम्मेदारी आपको दी जाएगी, the council as a whole has to divide the work. जो कुछ दिया, इंटेंशनलिटी ऑफ ऑल दैट इज डिस्कस्ड एट द काउंसिल, जो कुछ काउंसिल में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, किसी को बताने का नहीं है, वो मत बताओ. बहुत लोग जाके सबको फरमाइश करते एंड देन द ट्रबल स्टार्ट्स. देर आर सर्टन थिंग्स विच वी शुड नॉट टेल अदर्स, देर आर सर्टन थिंग्स विच वी मस्ट टेल एवरीबॉडी. So keep the confidentiality of the council members and whatever the council tells them. I will carry out the responsibilities given to me for 3 years. मैंने कई पल्लियों में देखा, अरे ये कब समाप्त हो जाएगा, ये 3 साल कब समाप्त हो जाएगा. They are fed up within 1 year, within 6 months. क्या उत्साह से ये हाथ इधर ऊपर उठाया और शपथ लिया और 2-3 महीने के बाद फिनिश. दे थॉट दैट इट इज सम बिग काउंसिल लाइक द कैबिनेट, और ये मिलेगा क्या, ये पोस्ट मिलेगा, वो पोस्ट मिलेगा, एंड देन वी विल डू व्हाट एवर वी वांट एंड ऑल, जैसा होता है. दैट्स नॉट द थिंग. इफ अ पैरिश काउंसिल व्हेन यू बिकम अ मेंबर, यू हैव टू गिव एंड डोंट वेट फॉर गेटिंग. You will get from God all that is necessary. He will give you in abundance, provided you have. तुम में वो नम्रता है, तुम में वो duty conscious है. That God will reward in His own time. Jesus Christ, anything done for Him and for His work, वो कभी भी बिना reward से नहीं चला जाता है. You take this from me. I have learnt it in all my years of the priesthood that whatever you do for the glory of God, bina koi wapas milne ka ye vichar rakhe, you will get double the amount what you have asked for. You will get everything. My dear brothers and sisters, maine aap logon ke samne, I placed only what you have taken oath. जो शपथ आप लोगों ने लिया था, आई हैव ओनली एक्सप्लेन दैट. मे बी एट दैट टाइम वी डिडंट नो द ग्रेविटी, हमें नहीं मालूम था कि ये कितना इसमें भारी कार्य भारी है. आज आप लोगों को मैंने समझाया, इफ यू आर फेथफुल टू इट, इट विल बी अ ग्रेट जॉब, हैप्पी जॉब. यू विल बी एबल टू डू ग्रेट थिंग्स फॉर दिस पैरिश. और ये पल्ली को आप लोग शान बनाएंगे. Because it will be what is in the mind of Jesus Christ. The parish is not the property of one person. It's not the property of one priest. It's not the property of one area. It's not the property of anyone who is thinking that he has given a lot of donation. No. The parish is always an integral part of the diocese.
धर्म प्रांत का अंदरूनी एक अंग है. एंड इफ वी डिस्ट्रॉय द पैरिश इन सम वे ऑर द अदर बाय आवर मिसडीड्स, हमारे गलत कार्यों से पल्ली को का को दाग लगाएंगे, देन वी आर सेल्फ मेक इट अ बैड पार्ट ऑफ द डायसिस. ये हुआ है, ये कभी होना नहीं चाहिए. Therefore, we go to the readings of today. What do the readings of today tell us? Job, वो दुख और कष्ट में जी रहा था और उसके भी लोगों ने आकर उसको बहुत कुछ कहा, ईश्वर को श्राप दे दो, क्या तुम उसका भक्त बन कर रहे हो? तुम्हें भी लोग बहुत कहेंगे, क्या ये पल्ली परिषद में जाकर ये काम, तुम्हारा तो बहुत काम है, ये है वो है, क्या तुम्हारा समय बिगाड़ रहा है? You will get lot of people saying that. And Job said, no, I will believe in one God. और उसके famous words है, नंगा मैं आया इस दुनिया में, नंगा मैं चला जाऊंगा. Naked I came into this world and naked I will go. And till that time, I will believe in my God. I will be a faithful follower of His. जो सब उसका नाश हुआ था, 10 गुना ज्यादा उसको मिला अंत में. सेंट पॉल, जो संदेश ईश्वर का था उसको नाश करने निकला था. यीशु क्रिस्त का शुभ संदेश संसार के कोने कोने में जाकर सभी लोगों के बीच में ये फैलाओ, उसको वो नाश करने वाला था और कार्य बहुत किया उसने नाश के लिए, परंतु यीशु क्रिस्त ने उसको चुना, ऐसे ही व्यक्ति को चुना और उसने यीशु क्रिस्त का शुभ संदेश सारे यरूशलेम, यहूदिया और कहां कहां वहां जगह थे जाकर सभी जगह में चर्चेस छोटे झुंड तैयार किया और उसने ये कहा, धिक्कार मुझे अगर मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का संदेश न फैलाऊं. जो पहले उसको मार डालना चाहता था, नष्ट करना चाहता था, अब कह रहा है धिक्कार मुझे. दिस इज द मैन वी मस्ट फॉलो. इससे हमारा संपर्क रहना चाहिए कि जो गलत कर रहा था जानने के बाद सब सही किया और सही के लिए अपना जान भी दे दिया. एंड देन जीसस इन द गॉस्पल टेल्स अस टुडे, ही गोज अबाउट क्योरिंग, ही गोज अबाउट डूइंग गुड वर्क, और यहां वहां जाकर सबों का भलाई कर रहा था. पेतरुस के सास को उसने ठीक किया और सब लोग जो आए थे उनको चंगा किया. और फिर उसने कहा, वो कार्य करने के बाद खिसक जाता था और वो गया पर्वत पर अपने पिता से बात करने के लिए, ताकत पाने के लिए. तो अ पैरिश काउंसिल मेंबर मस्ट बी अ मैन अ वुमन ऑफ प्रेयर. प्रार्थना में हमें सब कुछ मिलता है. रेगुलर मास, रेगुलर मीटिंग इन द एससीसी यूनिट, रेगुलर प्रेयर इन द फैमिली एट होम, ये मूल है. अगर एक पैरिश काउंसिल मेंबर ये नहीं करता है, ही इज नेवर सीन इन द चर्च, ही डजंट रिसीव द सैक्रमेंट, ही डजंट इज देयर फॉर एनी prayers that are going on for the community in the church, what member can he be? ये हम लोग समझना चाहिए. यीशु क्रिस्त ने प्रार्थना किया और अपने चेलों से कहा, हमें दूसरे जगह भी जाना है, सिर्फ ये जगह नहीं जहां हमने ये लोगों को चंगा किया, हमें दूसरे जगह भी जाना है जहां जाकर ईश्वर का संदेश फैलाना है. एंड ही वेंट अबाउट in other places, synagogues and temples, and he went and preached to other people. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैंने आप लोगों के सामने आज थोड़ा कुछ रखा जो मैं सोचा ये पल्ली जिसको मैं बहुत चाहता हूँ, और यही एक पल्ली है जिसमें मैं नागपुर में काम नहीं किया,
This is the only parish, but I have the satisfaction that this was united with Martin Nagar. So I have just said that I worked here also. I have always loved this parish. For this small, ये झोपड़े में हम लोग प्रार्थना करते थे और अभी एक अच्छा जगह मिला है जहाँ हम लोग मिलकर एक अच्छा परिवार बनाना चाहिए एक पैरिश फैमिली. ये सिर्फ बड़े बड़े त्योहारों के दिन में नहीं, एवरी टाइम दिस मस्ट बी अ पैरिश फैमिली. मैं आते समय वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास लाइट्स, तो मैं रुका उधर और मेरा नजर एक होर्डिंग के ऊपर गया, माझे कुटुंब, माझी जिम्मेदारी, माई फैमिली, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा परिवार मेरा जिम्मेदारी है. एंड यू माई डियर पीपल टूगेदर विथ योर पैरिश काउंसिल मेंबर्स ऑलवेज रिमेंबर दिस इज माई फैमिली, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. और देखो क्या वंडरफुल this parish will always be. Amen. I pray for you all during this Mass in a very special way.